हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, एक सेशन छूट गया था। क्या बोलते हैं, मोशन एंड गति में, मोशन जो गति था और जो फोर्स यानी बल था, उसमें एक चीज़ छूटा था हमारा लीवर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके पूछा था, बताओ सर होता है किस में आता है, कैची किस में आता है, ठीक है, हैंडपम्प किस में आता है। तो लीवर यानी जो तुलक था हमारी, एक टॉपिक छूट गई थी, तो उसको आज कवर कर लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आए तो अभी इसको लाइक और शेयर तो कर ही देना। ठीक है, शेयर कर देना, लाइक नहीं आएगा तो मत करना, मगर शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लीवर, लीवर जॉनी लीवर नहीं, बस लीवर है जिसको उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, देखो लीवर क्या होता है, कुछ नहीं। लीवर क्या है अभी बताएंगे, कहोगे सर जी सबसे सिंपल है। लीवर एक प्रकार का बस सिंपल मशीन है। ठीक है, देखो मशीन तो सभी चीज़ें हैं। ठीक है, एक क्या किए, तुम एक छड़ लिए, उस पर दूसरा छड़ अलग टीके शेप का बना दिए और उसको हल्का सा घुमा रहे, तो वो भी तुम्हारा क्या है, मशीन है। ठीक है, वो भी तुम्हारा क्या है, मशीन है। ये मार्कर भी क्या है, एक मशीन है। ठीक है, ये मार्कर भी तुम्हारा मशीन है। ठीक है, ये तो जो तुम्हारा स्पीकर कनेक्ट करते हो, ठीक है, बस तुम मशीन को कनेक्ट कर दिए, वो भी तुम्हारा क्या है, एक मशीन है। ठीक है, तुम वेल्डिंग करो, ये भी तुम्हारी क्या है, मशीन है। तो मशीन सिंपल चीज़ कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टेपलर मारते हो, वो भी तुम्हारी मशीन है। तो सिंपल क्या बात क्या है, ये क्या है, देखो लीवर क्या होता है, लीवर एक सिंपल मशीन है। सिंपल एमसी लिख रहे हैं, मशीन है, मशीन है, सिंपल एमसी मतलब मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल टेक्निकल होगा तो समझ जाओगे, मशीन है जो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टॉर्क पढ़ाए थे, याद रखना, आघूर्ण आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, करता है। इसकी संरचना देखो, कार्य करता है इस मशीन की संरचना, याद रखना, संरचना रचना लिख रहे हैं, संरचना सिंपल छड़ से लेकर जटिल आकार भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है। यानी एक छड़ भी तुम्हारा लीवर हो सकता है। ठीक है, अभी बताएंगे छड़ कैसे लीवर बन सकता है। तो एक तुम्हारा छड़ भी, छड़ से लेकर एक जटिल आकार भी तुम्हारा क्या हो सकता है, लीवर हो सकता है। इसके मुख्यतः तीन बिंदु होते हैं, यानी तीन भाग होते हैं लीवर के। मुख्यतः लीवर के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला क्या होता है, फलक्रम बोलते हैं जिसको, फल क्रम जिसको आलंब बोलते हैं, आ लंब। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एफर्ट होता है जिसको प्रयास बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, लोड होता है, लोड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, भार कहते हैं। तीन होता है, याद रखना। ठीक है, तीन सबका अलग अलग कार्य है। ठीक है, पहला क्या लिखते हैं, फलक्रम लिखते हैं, इसका कार्य क्या है, FULCRUM। पहला क्या लिखते हैं, फलक्रम, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, यह मशीन का वह बिंदु है जिसके समक्ष कोई मशीन घूर्णन करता है या कर सकता है, उसको फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको एफ से व्यक्त करते हैं, इसको एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको एफ से व्यक्त करते हैं। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, एफर्ट। ठीक है, कार्य करने के लिए कार्य
करने के लिए करने के लिए जिस बिंदु पर प्रयास लगाते हैं, प्रयास या फोर्स लगाते हैं उसे एफर्ट कहते हैं, एफर्ट कहते हैं, और इसे ई से व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोशिश की जा रही पूरी समझानी से और तुम समझ में भी रहे होगे अगर अच्छे से दिमाग लगाओगे तब। थर्ड क्या होता है, हमारा लोड आता है, जिस बिंदु से कार्य को अंजाम दिया जाता है या लोड को डील किया जाता है, डील किया मतलब उठाना है, बैठाना है, इधर उधर करना है, तो लोड के साथ डील करना है, लोड को डील किया जाता है उसे लोड कहते हैं, इसे एल से व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, एल से व्यक्त करते हैं। आइए समझ में आ गया होगा। अब देखो लीवर समझ में आ गया, ये फलक्रम क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है। अब इसके बिंदु को दिखा देते हैं, होता कहाँ कहाँ है, इसको हटा देते हैं। हम क्या बोले कि लीवर क्या होता है, सिंपल छड़ भी हो सकती है ना, देखो छड़ की बात कैसे कर रहा है वो, देखो तुम्हारे बस की बात तो है नहीं कि 40 केजी के पत्थर को, गोला पत्थर है, तुम आसानी से उठा सको, ठीक है, उठा तो सकते नहीं। तुम किए क्या, एक रॉड लाए या पटरा लाए या बल्ली लाए, ठीक है, बांस लाए, वो क्या किए, इसके नीचे लगा दिए, और इधर से जब तुम प्रयास डालोगे तो तुम इसको आसानी से क्या कर सकते हो, उठा सकते हो, यानी इस जगह या फिर इस जगह से विस्थापित इधर उधर हटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो एफर्ट तुम फोर्स किधर लगाओगे, नीचे की तरफ लगाओगे, प्रयास नीचे की तरफ लगाओगे, यही देखो बिंदु है इसके। देखो हम क्या बोले, फलक्रम वो होता है जिसके परिश क्या होता है, बलाघूर्ण लगता है, या फिर इसके समक्ष क्या हो सकता है, वो चाहो तो घूम सकता है। अब इस पे चाहो तो इसको ऐसे भी घुमा सकते हो, और अगर ये एक पॉइंट होता तो तुम इसको इसके परिश तो ऐसे भी घुमा सकते थे। तो ये तुम्हारा क्या, यहाँ पे तुम्हारा बलाघूर्ण लग रहा है, यानी इसको घुमाने का काम कौन कर रहा है, यही कर रहा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फलक्रम हो जाएगा। और ये लोड क्या है, यहीं पर तुम बल लगा रहे हो ना, यही बिंदु क्या है तुम्हारे, ये जो बिंदु है तुम्हारा, ये वाली पॉइंट जो है L, यही तुम्हारे लोड के साथ डील कर रहा है ना, देखो यही लोड के पास है, जो समझेगा बुझेगा यही लोड करेगा, ठीक है, यही बिंदु करेगा, जिसको लोड बोलते हैं। समझ में आ गया, ये पूरी कहानी किसकी है, ये पूरी कहानी हमारी किसकी है, लीवर की है, लीवर यानी एक तरीके की सिंपल मशीन होती है, ठीक है। अब देखो आगे, लीवर तीन प्रकार की होती है, लीवर तीन प्रकार की होती है, इसको हटा देते हैं, फलक्रम एफर्ट लोड समझ में आ गया होगा। देखो लीवर तीन प्रकार की होती है, लीवर तीन प्रकार की होती हैं। पहला फर्स्ट क्लास,
इसमें बता देते होता क्या है। फर्स्ट क्लास में क्या होगा देखो, तुम्हारे एग्जाम्पल बताते हैं, फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैची हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारी क्या होगी, कैची सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कैची क्या होगी तुम्हारी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसकी, फर्स्ट क्लास का। दूसरा तराजू हो जाएगी, तराजू भी क्या है तुम्हारी, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है तुम्हारा। तीसरा प्लायर, प्लायर ठीक है, जिसको प्लास बोलते हो, ठीक है, प्लायर। ये सब किसके एग्जाम्पल है, कैची के। देखो होता क्या है, कैची का आकार बना तो कैची ऐसी होती है, यहाँ पे तुम्हारे हैंडल लगा होता है, यहाँ पे ब्लेड लगी होती है, यहाँ पे ये क्या है, फलक्रम है, क्योंकि इसके परिधि क्या होती है, घूम रही। ये तुम यहाँ पे क्या करते हो, प्रयास लगाते हो, यानी यहीं पे जो तुम बल लगाते हो यहीं पे लगाते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, दोनों बिंदु तुम्हारे क्या है, एफर्ट की है। और ये क्या होता है, तुम्हारे लोड के साथ निर्भर करती है, लोड पे, यानी कैची जो किसी चीज़ को काटना है ये तुम्हारे इस पे निर्भर करती है। तो इसको क्या होता है, एक तरीके से इसको बोलते हैं एफ, सॉरी ई एफ एल, यानी एफर्ट रहेगा, बीच में फलक्रम रहेगा और ये लोड रहेगा। इसको याद रखना, बता दिए क्या होता है, यानी शुरुआत में क्या होगा तुम्हारा, पहले पहले फर्स्ट क्लास में पहले तुम्हारा एफर्ट रहेगा या लोड रहेगा, ठीक है। बीच में क्या रहेगा, उसके बाद फलक्रम रहेगा, यानी आलम, फल क्रम या आलम। फिर उसके बाद क्या रहेगा तुम्हारा, अगर पहले एफर्ट है तो बाद में लोड रहेगा, और पहले बाद में लोड है तो पहले एफर्ट रहेगा, ठीक है। यानी एफर्ट है तो यहाँ पर लोड बचेगा, अगर यहाँ पर लोड है तो यहाँ पर एफर्ट बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर बीच में फलक्रम ही रहेगा। कहीं पर भी देख लो, तराजू में भी वही हालत होती है, क्या होता है तराजू में ऐसा होता है, बीच में लगा हुआ होता है, इसके तरफ इधर उधर घूमता है, इधर भी वेट, इधर एक तरफ लोड रहता है, एक तरफ क्या होता है तुम वेट लगा के आयास लगाते हो, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी की बात करें तो सेकेंड क्लास इसमें क्या होता है, सरौता एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सरौता, जिसे सुपारी काटते हैं, सुपारी काटते हो तो सरौता ही बोलते हैं ना, ठीक है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, सेकंड क्लास के होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो सरौता क्या होता है, देखिए होगी सरौता, कुछ ही सागर का बना होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे लगी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करते हो, तुम बल लगाते हो, दबाते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम बल लगा के दबाते हो। इसमें देखो सरसी भी हो सकता है, ठीक है, सरसी भी हो सकता है, जैसे चाय वो निकालते हो, उठाते हो, ठीक है। देखो सरौता क्या होता है, यहाँ पे एफर्ट लगाते हो, यहाँ पे एफर्ट लगाते हो, ये तुम्हारा क्या होता है, लोड होता है बीच में। इधर क्या होता है, आलम, जिसके तरफ तब चाहो तो तुम इसको घुमा सकते हो, ये क्या होता है तुम्हारा, फलक्रम होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, तो यानी इसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले देखो या तो पहले फलक्रम हो सकता है, एफर्ट लिख देते हैं, पहले एफ होगा या ई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बीच में लोड रहता है हमेशा, बीच वाला चीज अधिक पता कि बीच में क्या होगा, तो बीच में लोड होगा, क्योंकि इसको तुम बदल नहीं सकते। इसमें क्या होगा, अगर पहले यहाँ पे फलक्रम है तो इधर क्या होगा, एफर्ट होगा, और अगर इधर एफर्ट लिख दिए तो इधर क्या होगा, फलक्रम होगा, ये कहानी चलती है, ठीक है। मगर बीच में यहाँ पे लोड रहेगा और यहाँ पे फलक्रम रहेगा। तीसरी कहानी किसकी आती है, थर्ड क्लास CLA, ठीक है। एग्जाम्पल पहले लिखते हैं, इसमें क्या होती है, चिमटा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसकी है, चिमटा, देखोगे जिससे आग निकालते हैं, ठीक है, चिमटा सबसे बड़ी एग्जाम्पल हो जाती है इसकी। चिमटा के बाद देखो क्या होता है, स्टेपलर, देखो स्टेपलर जो होता है, ठीक है, स्टेपलर या चिमटा देखोगे की कहानी होती है, क्या होता है, कुछ इस तरीके से स्टेपलर बना होता है ना, यहाँ से ऐसे निकल के आता है स्टेपलर, या फिर चिमटा देखते हो तो कैसा होता है, कुछ यहाँ से चिमटा बना होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे तुम किससे डील करते हो, यहाँ पे लोड होता है तुम्हारा, यहीं पे जो भी पकड़ को उठाते हो यहीं पे लिखाते हो ना, और यहाँ पे तुम्हारा लोड होता है, जो पिन निकलता है यहीं से पिन निकलता है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होता है, फलक्रम होता है, क्योंकि यहीं इसके परिधि यानी इसके अक्षी क्या होता है, बलागुण लग रहा है, और इसके अक्षी क्या हो रहा है, बलागुण लग रहा है। तुम इसको खोलोगे तो क्या होगा, इसको घुमा भी सकते हो यहाँ से, ठीक है, फलक्रम होता है। बीच में क्या होता है,
तुम एफर्ट डालते हो, अच्छा ये भी क्या हो जाएगा हमारा फलक्रम, बीच में तुम इसको दबाते हो, स्टेपलर बीच में पकड़ कर दबाते हो या चिमटा बीच में पकड़ कर दबाते हो, तो बीच में तुम्हारा क्या हो जाता है, एफर्ट हो जाता है। यहाँ पे तुम्हारा बीच में क्या हो जाता है, एफर्ट हो जाता है। देखो तीनों में अलग अलग बीच भी आ रहा है, पहले वाले में बीच में फलक्रम आया था, दूसरे में बीच में लोड आया था, इसमें तीसरे में बीच में क्या आ जाएगा, एफर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखना चाहते क्या हो जाएगा, पहले पहले अगर ये फलक्रम है तो क्या हो जाएगा, अगर फलक्रम है तो लोड बाद में होगा, मगर एफर्ट तो बीच में ही रहेगा, इसको तुम नहीं बदल सकते। ठीक है, एफर्ट अगर पहले फलक्रम है तो बाद में लोड लिख देंगे, और बाद में लोड होगा तो पहले फलक्रम लिख देंगे। ये सारी किसकी चल रही थी कहानी, लीवर की चल रही थी। किसकी कहानी चल रही, लीवर की चल रही थी। ये तीनों एग्जाम्पल याद रखना, तीनों में अधिक पूछा जाता है कौन किसके श्रेणी में आता है, किसके श्रेणी में नहीं आता। अगर डायग्राम बना कर दिखा दे तुमको, तो उसको कैसे बनाओगे डायग्राम, डायग्राम देखो मान लो ये तो एग्जाम्पल है ही, तो समझ ही रहे हो। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे ये है फलक्रम बीच में लगा रहे हैं, ये लोड क्या है मान लो, ये लोड है, ये एफर्ट है, एफर्ट तुम नीचे की तरफ डालें, लोड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और ये तुम्हारा फलक्रम है, इसको याद रखना ये कहानी। दूसरे में आगे क्या हो जाएगा, फलक्रम तुम्हारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, लोड कहाँ है तुम्हारा, बीच में, एफर्ट कहाँ पर है तुम्हारा, यहाँ पर है। ठीक है, एफर्ट मान लो ऊपर की तरफ डाल रहे हो, ये बीच में क्या है तुम्हारा, एल है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा, इसको याद रखना है। तीसरे की बात करते हैं, इसको भी याद रखना। चौथा बात करते हैं, ये फलक्रम तुम्हारा कहाँ है, यहाँ पर है। लोड तुम्हारा क्या है, लोड तुम्हारा कहाँ पे है, लोड तुम्हारा यहाँ पर है, जो हमेशा इसको नीचे के दबाए रखने की कोशिश करेगा, ये तुम्हारा एल है। मगर एफर्ट तुम किधर लगाओगे, हमेशा ऊपर की तरफ लगाओगे, जो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, इसको याद रखना। ठीक है, डायग्राम से भी समझा दिए, एग्जाम्पल समझा दिए, डायग्राम सारी बता के समझा दिए, सारी चीज़ें बता दिए, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, लीवर क्या होता है ये भी बता दिए। ठीक है, चलो आई होप ये सेशन पसंद आएगा बाबू। ठीक है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।